नमस्कार दोस्तों, चंदन जी टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारा गूगल इनपुट टूल है वो हमारा जो टास्क बार होती है कंप्यूटर में, जो हमारा टास्क बार है वहाँ से क्या होता है, वो बार बार जो है गायब हो जाता है। तो ये कहाँ से आप उसको वापस लाएंगे, कैसे वापस लाएंगे, उसी के बारे में दोस्तों ये वीडियो हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए मैं आपको मेरा लैपटॉप स्क्रीन पर आपको लेके दिखाता हूँ जो है वो कैसे आप उसको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे आप उसको वापस लाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल्स में देखते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारा जो गूगल इनपुट टूल है वो क्या होता है, जो हमारा टास्क बार से बार बार जो हट जाता है तो उसको हम कैसे वापस लाएंगे, इसके पहले मैंने आपको बता चुका हूँ। तो चलिए प्रैक्टिकल में आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे होता है। दोस्तों देखिए, ये जो होती है यहाँ पे हमारा गूगल इनपुट टूल जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने उसको ऑन करके रखा है, तो वो जो है ये गायब हो जाता है। तो उसको हम कैसे वापस लाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन वाली है ना, जो लिखा हुआ है शो हिडन आइकन्स, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ पे जो है कस्टमाइज लिखा हुआ है, कस्टमाइज में चले जाइएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है, देखिए टर्न सिस्टम आइकन ऑन और ऑफ, तो ये दोस्तों जो है ये आपका सिस्टम में जो है इनबिल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनपुट इंडिकेटर्स लिखा हुआ है। ठीक है, यही है आपका जो है गूगल इनपुट टूल का जो है मतलब आपका जो वहाँ पे आपने एक्सटेंशन जो आपने इंस्टॉल किए हैं। ये दोस्तों एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं, आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है गूगल इनपुट टूल के बारे में, उसको आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। उसको कैसे डाउनलोड करना है, उसको कैसे यूजेस है, सारा डिटेल्स जो है दोस्तों वहाँ पर दी गई है, तो वहाँ पर एक बार जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो देखिए सर, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जो इनपुट इंडिकेटर्स जो लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। ठीक है, और देखिए तो यहाँ पे जो मेरा राइट साइड में जो हमारा मेरा टास्क बार में जहाँ पे टाइम डेट ठीक है वॉल्यूम नेटवर्क बैटरी ये सब दिखाता है, ठीक है, वहाँ से ये अभी हट गया है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे अभी हट गया है, चलिए मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ सिस्टम को। अभी देखिए ये हट चुका है, अभी इसको कैसे वापस लाएंगे मैंने आपको जैसे बताया, फिर से आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे कस्टमाइज पे जाइए, फिर वहाँ पे आपका जो है टर्न ऑन जो यहाँ पे लिखा हो ना टर्न सिस्टम आइकॉन ऑन और ऑफ, इसमें चले जाइए, फिर यहाँ पे देखिए इनपुट इंडिकेटर्स जो है इस पे इसको ऑन कर दीजिए। देखिए ऑन करने के बाद यहाँ पे इंग्लिश लिखा हो के आ गया है, इसको ओके करके बाद में फिर से ओके कर दीजिए। ठीक है, अभी क्या है ये वापस आ गया, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा आपको। देखिए यहाँ पे आ गया, अब मैंने यहाँ पे तीन लैंग्वेज जो है इंस्टॉल करके रखा, आप जितना चाहें लैंग्वेज इंस्टॉल करके रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे देखिए एक रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन होगा, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल का आइकन है उसको भी दबाना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।